Let's do question number 21 of exercise 2C, that is polynomial. Question number 21 is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, kaun sa hai polynomial? Fx de rakha hai hume, x square minus 5x plus k, right? Aur uske alpha aur beta kya hai? Zeros of the polynomial, right? Such that, is tarike se hai zeros of the polynomial, ki alpha minus beta hume 1 de rakha hai. तो हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें पता है अल्फा और बीटा है, तो हमें हम इसके फैक्टर्स भी नहीं निकाल सकते कि अलग से फैक्टर्स निकालने और अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी. तो हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ पॉलीनोमियल निकालेंगे. सम ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता था, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दो है डिग्री तो कॉफिशियंट ऑफ अल्फा बीटा ही मानेंगे, वो वाला ही फॉर्मूला लगेगा, अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, राइट. अब अल्फा प्लस बीटा होता था सम ऑफ द पॉलीनोमियल, माइनस एक्स का कॉफिशियंट है माइनस फाइव, साइन के साथ लेना है, और एक्स स्क्वायर का वन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, फाइव आ गया. अब देखिए अब इसमें k की वैल्यू निकालनी थी लेकिन k कहीं नहीं आ रहा, तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल में देखेंगे कि आता है कि नहीं. प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल, उसका फॉर्मूला होता था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो प्रोडक्ट क्या होता था अल्फा बीटा, और कांस्टेंट टर्म क्या होती थी के, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन, राइट. तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई. अब यहां से अगर आप चाहें तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इधर आ गया वन प्लस बीटा. अब इसे माना हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसे माना हमने सेकेंड इक्वेशन. अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, राइट. तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी और इसमें पुट कर दी. ऑन पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, राइट. तो अल्फा प्लस बीटा था हमारा फाइव, अल्फा की वैल्यू थी वन प्लस बीटा इक्वल्स टू फाइव, तो ये उधर चला गया, तो आया टू बीटा इक्वल्स टू फाइव माइनस वन, दैट इज फोर. बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, फोर अपॉन टू, दैट इज टू आ गई. अब अल्फा प्लस बीटा था हमारा फाइव और बीटा की वैल्यू आ गई है टू, राइट. तो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव माइनस टू, दैट इज थ्री. अल्फा और बीटा की वैल्यू इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पुट करेंगे तभी तो के की वैल्यू निकाल पाएंगे. अब अल्फा आया हमारा थ्री और बीटा आया हमारा टू इक्वल्स टू के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.